हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? किरण बालकनी गार्डन एंड ब्लॉक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं आपके सामने, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आज हम बात करने वाले हैं ये रेनी सीजन, रेन लिली प्लांट के बारे में। तो आज हम इसके बीजों के बारे में बात करेंगे, इसके बीज कैसे कलेक्ट करते हैं, किस तरह से स्टोर करते हैं, और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये और कितना सेमी शेड एरिया, कितना धूप चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और बने रहें हमारे साथ। चलिए, सर्वप्रथम जब हम रेड लिली का पौधा लगाते हैं तो उसमें फूल पाने के लिए फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब एक बार फूल आ जाते हैं उसके बाद हमें इसको जो है कट करना चाहिए, ऐसे इस तरह से, इतना आप पूरा ऐसे कट कर दें, क्योंकि इसकी ग्रोथ बारिश के टाइम बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, दोबारा रेन लिली में फूल पाने के लिए आपको जो है इस प्रकार से सीजर लगा के कट करना चाहिए पूरे प्लांट को, और बहुत जल्दी बढ़ जाता है और फिर इसमें दोबारा फूल बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। अभी तो बारिश नहीं हो रही है और इसके फूलों का टाइम ख़त्म हो गया है, तो इसके बीज कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बीज हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, फूल खिलने के बाद फूल खिल चुके हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फूल सूखे हुए लगे रहते हैं और इनमें जो है बीज लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बीज जो है अच्छे हेल्थी पाने के लिए आपको इनके फूलों को नहीं काटना है, नहीं निकालना है। ये देख सकते हैं, और इसके बीज अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं, जब ये वाइट कलर के हो जाएं ये, उस समय आप इन्हें निकाल दें। और जब ये वाइट कलर के होते हैं तो अपने आप में ये चिटक भी जाते हैं, चिटक करके ये फर्श पे गिर जाते हैं, तो उस समय आप इन्हें बीन सकते हैं। और ये देखिए, ये पका हुआ है, तो हमारा हाथ लगाते हुए अपने आप जो है, ये देखिए अपने आप से ये निकल गया। ये देख सकते हैं कितने बीज हैं इसमें, काफ़ी तादाद में बीज निकलते हैं। इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लैक कलर के बीज होते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बारिश का पानी स्टोर करके रखा है तो बीज आने के बाद इसे आप कटिंग कर दीजिए, फिर वो बारिश का पानी आप इसमें डालते रहिए, दोबारा से आप इसमें फूल ले सकते हैं। जब तक आप, आपके पास पानी, बारिश का पानी स्टार्ट है, तब तक आप इसमें फूल लेते रहेंगे, चाहे इसका सीजन हो या ना हो। यह एक बहुत अहम जानकारी है और ये मेरा नया अनुभव है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट के द्वारा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।